इज वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ लिटल स्कॉलरस वे फ्यूचर लाइज इन योर ओन एबिलिटीज फ्रेंड्स हम बना रहे हैं हमारी डायनामाइट सरीज का वीडियो नंबर ऑफ केमिकल रियक्शन एंड इक्वेश चार पार्ट खत्म हो चुके हैं बैलेंसिंग खत्म हो चुकी है आने वाली है आज का वीडियो मेरा फोकस रहेगा ऑफ अ केमिकल रियक्शन एंड इक्वेश के ऊपर पांच करेक्टरिस्टिक पिछली वीडियो के अंदर एंड में कुछ देखे गया था थोड़ा सा ठीक है ना थोड़ा सा हिंट देखे गया था क्या हिंट था कि पांच कौन सी रिएक्शन होती है इसके बारे में मैंने बात करी थी आप लोगों से पांच रियक्शन के बारे में बताया था और उन पांच रियक्शन को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ठीक है ना पांच रिएक्शन एक बार सीक्वेंस देख रहे हैं। उससे पहले दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है फॉर क्लास टेंथ। आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट होने के लिए आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं ठीक है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है वहां पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शीट्स क्वेश्चन हर तरीके के डाउट्स क्लियरिंग ये सारी चीजें आपको उस ग्रुप के अंदर मिलेंगी आप भी कनेक्ट हो शेयर विथ योर फ्रेंड्स उन्हें भी कनेक्ट करें ठीक है चलिए अब चलते हैं आज के वीडियो के अंदर पढ़ेंगे क्या पांच रिएक्शंस पढ़ेंगे हम लोग नंबर वन रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे दैट इज व्हाट चेंज इन कलर हम लोग पढ़ेंगे ठीक है दूसरी चीज हम जो पढ़ेंगे दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ेंगे ठीक है और चेंज इन टेम्परेचर पढ़ेंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी पढ़ेंगे ठीक है तो पांचों करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे और ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बताती हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये केमिकल रिएक्शन है है। अगर ऐसा हो रहा है तो यह केमिकल रिएक्शन है अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है तो केमिकल रिएक्शन है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले पांचों कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और फिर हम लोग एक एक करेक्टरिस्टिक को समझते हैं यह आज का वीडियो चलिए हमारा आज का टॉपिक था हमने डिस्कस किया कि भाई आज हम वीडियो के अंदर करेक्टर तो टॉपिक रहेगा हम सारी रिएक्शंस की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है करैक्टरिस्टिक्स का मतलब अगर कोई पूछे कि भाई आ, हमारे देश के प्रधानमंत्री को आपको पहचानना है तो क्या बोलेंगे भाई बड़ी बड़ी सी दाढ़ी रखते हैं सिर पर सफ़ेद कलर के बाल हैं दाढ़ी के बाल ऐसे हैं ठीक है कुर्ते पजामे पहनते हैं ठीक तो है ना और कटकाठी ऐसी है तो दी बेसिकली वट एक्चुअली आर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आज दोज फीचर्स है ना फीचर्स बोल सकता हूँ वो चीज़ें जिनके होने से पता चले कि ये चीज़ ये है ठीक है और ये चीज़ ये है तो केमिकल रिएक्शंस की भी पांच करेक्टर हैं उन पांचों करेक्टर से हम पता कर सकते हैं कि अगर इन पांचों में से ठीक है इन निम्नलिखित पांचों में से अगर कोई भी एक हुई तो केमिकल रिएक्शन है कोई भी दो हुई तो केमिकल रिएक्शन है या पांचों हुई तो तो केमिकल रिएक्शन है ही है तो इनमें से कोई एक का भी होना केमिकल रिएक्शन होने के इफेक्ट्स को शो करता है तो वो पांच कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वो पांच चीजें क्या हैं जिनके होने से पता चले कि केमिकल रिएक्शन अकर हुई है तो अब हम सबसे पहले उन पांच चीजों को देखते हैं कि वो पांच चीजें क्या हैं। आपके सामने वो पांचों चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं देखूं दैट इज वॉट चेंज इन टेम्परेचर

कहां पर है है ना ठीक है चलिए एवोल्यूशन ऑफ गैस एवोल्यूशन का मतलब किसी भी चीज का पैदा होना एवोल्यूशन का मतलब किसी भी चीज का पैदा होना तो गैस पैदा होती है जब भी कोई एक केमिकल रिएक्शन होगा तो जनरली गैसेस इवॉल्व होती हैं जनरेट होती हैं पैदा होती हैं हम एक तरीके से कहें तो ठीक है आखिरी है चेंज इन स्टेट यानी कि सब्सटेंसेस जो थे वो सॉलिड थे या लिक्विड थे और जब मैंने रिएक्टेंट्स को कंबाइन कंबाइन किया तो रिएक्टेंट्स होके जो आउटपुट प्रोडक्ट मिला वो आउटपुट प्रोडक्ट सॉलिड हो सकता है दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी आउटपुट प्रोडक्ट लिक्विड हो सकता है दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी तो स्टेट चेंज हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की सारी स्टेट में क्या हो रहा है बदलाव हो रहा है ठीक है अब हम एक एक करेक्टर स्टिक को डिटेल्ड में पढ़ते हैं और देखते हैं हमारी सबसे पहली करेक्टर स्टिक क्या है और उसको हम लोग डिटेल में यहां पर पढ़ने वाले हैं चलिए सबसे पहली करेक्टर स्टिक है मेरे पास एवोल्यूशन ऑफ गैस डू यू मीन बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस आप सबसे पहले वो समझो एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस डिनोट के जब भी एक केमिकल रिएक्शन अकर होगा तो गैस का फॉर्मेशन होगा अब गैस का फॉर्मेशन किसी भी गैस का फॉर्मेशन हमारे यहाँ दिया गया है है ना जनरली जैसे आप सपोज करो कि मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी कि किसी भी लकड़ी को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या वुड को बर्न किया या कोल को बर्न किया या कार्बन के किसी भी प्रोडक्ट को बर्न किया ठीक है तो वहां से एक गैस भी रिलीज होगी साथ में और उस गैस को कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल सी बात है किसी किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है किसी किसी में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है और किसी किसी में सल्फर ड्राई और सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है यानी कि सल्फर के कंपाउंड्स निकलते हैं है ना ऑक्साइड के फॉर्म्स के नाइट्रोजन भी निकलेगा बट हमारा जो सिलेबस है वो कहता है कि आपको सिर्फ चार रिएक्शन पे या चार गैसेस पे ध्यान देना है उसमें से भी दो गैसेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना वो दो गैसेस मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं ठीक है तो चलिए तो हमने देखा एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब कि जब भी जब भी एक केमिकल रिएक्शन अकर होगा तो उस समय वहां पर एक गैस फॉर्म होगी और वो गैस वहां से निकल रही होगी बबल्स की फॉर्म में फ्यूम्स की फॉर्म में किसी भी फॉर्म में एक्स वाई जेड किसी भी फॉर्म में वो गैस वहां से रिलीज हो रही होगी दैट इज नोन एज एवोल्यूशन ऑफ गैस सो एवर वेन एवर केमिकल रिएक्शन अकर वापस से समझना वेन एवर अ केमिकल रिएक्शन अकर द एवोल्यूशन ऑफ गैस गैस पैदा होती है एंड इट गेट रिलीज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है हम इनो लेते हैं और फिर इस तरीके का कुछ हमें दिखता है तो वहां पर एक गैस रिलीज होती है हमारी बॉडी के अंदर दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है दैट इज ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर रिलीज हो रही है बहुत सिंपल सी बात है ठीक है तो चार गैसें कौन सी हैं पहली गैस है ऑक्सीजन दूसरी गैस है मेरे पास हाइड्रोजन ठीक है तीसरी गैस है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड द फोर्थ वन इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड अब मेरे काम की कौन सी चार हैं लेकिन मेरे काम की कौन सी सबसे पहले हमारे काम की है हाइड्रोजन और दूसरी हमारे काम की है कार्बन डाइऑक्साइड कुछ एकाध प्रोडक्ट मुझे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्रायऑक्साइड भी देंगे वो प्रोडक्ट होंगे वो रिएक्टेड होंगे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स एफ ई एसओ फोर डॉट सेवन एच टू ओ जब आप इसको बर्न करोगे ठीक है यू आर गेटिंग फेरस सल्फेट और फेरस सल्फेट को फर्दर बर्न करने के बाद वी आर गेटिंग सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड हम रिएक्शन करेंगे वीडियो के अंदर वहां पे आपको यहां पर गैस का कंफर्मेशन देंगे पंजेंट स्मेल होता है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड का ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हर चीज के लिए जरूरी होती है तो आप ऑक्सीजन के बहुत सारे टेस्टेस वहां देखने को मिलेंगे बट हमें फोकस जो करना है वो इन दोनों रिएक्शंस के ऊपर फोकस करना है नंबर वन रिएक्शन नंबर वन गैस इज हाइड्रोजन एंड द सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों गैसेस पे मुझे फोकस करना है चलिए अब हम सबसे पहले आपको लेकर चलते हाइड्रोजन गैस के ऊपर यही हाइड्रोजन गैस देख लीजिए भाई बलून है हमारे पास हॉट गैस बलून है हीलियम भरते हैं बट हाइड्रोजन बीइंग लाइटर किसी भी चीज को उड़ाने के काम में आती है ठीक है ना राइट इट इज बीइंग लाइटर वही हाइड्रोजन गैस जो हमारे यहां पर इस्तेमाल में ली जाती है एलपीजी सिलेंडर्स के अंदर ठीक है अब हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के दो मैथड मैथड नंबर वन टेस्ट नंबर वन नंबर वन क्या कहता है कि जब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी तो बबल्स निकलेंगे और धीरे धीरे एस्केप करेंगे ठीक है राइट right, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं शो करता हूं बबल्स निकलेंगे और एस्केप करेंगे यहां पे आपके सामने मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और यहां पर अगर आप देखें तो देखिए बबल्स एस्केप कर रहे तो दिस इज वॉट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस तो आप किसी भी सब्सटेंस को बर्न कीजिए जहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी है सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एन ए प्लस एच टू एसओ फोर ठीक है ना सबसे अच्छा रिएक्शन है आपके पास आउटपुट प्रोडक्ट में बनेगा एन ए एस ओ फोर प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होगी और जब जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो बबल्स की फॉर्म में रिलीज होगी और बबल्स का साइज कंपैरेटिवली अच्छा साइज होगा और धीरे धीरे वो वहां से एस्केप कर रहे होंगे टेस्ट नंबर टू पहले टेस्ट नंबर टू देखते हैं और फिर उसका फिगर आउट यहां पे देखेंगे तो टेस्ट नंबर टू क्या है हमारे सामने आइए टेस्ट नंबर टू है कि जब हाइड्रोजन गैस कहीं से इवॉल्व होगी और व्हेन वी पास दैट हाइड्रोजन गैस विद सॉल्यूशन और उसके कांटेक्ट में फायर आएगा मैजेस्टिक लेके आएंगे इट जनरेट्स पॉप्स आउट होटल का ढक्कन खुलता है उस तरीके का साउंड क्रिएट करेगा सो वेन हाइड्रोजन गैसेस पास थ्रू अल्यूशन हाइड्रोजन गैस को आपको सोप सोल्यूशन से पास करना है एंड वेन कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ अ फायर इट जनरेट अ पॉप साउंड ठीक है राइट दिस इज अ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन टेस्ट नंबर वन बबल्स कंपेरेटिवली गुड साइज एवरेज साइज स्मॉल स्पीड से एस्केप कर रहे हैं एंड दूसरा टेस्ट ये वाला अब इसका एग्जाम्पल देखिए ये आपके सामने फिगर आउट है ठीक है हमने यहां पर एक हाइड्रोजन गैस निकली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रानुल्स के बीच में रिएक्शन कराई है जिंक ग्रानुल्स की रिएक्शन कराई है हमने तो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको यहां पे जिंक ग्रानुल्स दिखेंगे भरे हुए और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा जेड एन प्लस एच टू एस ओ फोर तो आपको आउटपुट प्रोडक्ट मिलेगा जेड एन एस ओ फोर प्लस हाइड्रोजन गैस ठीक है अब ये हाइड्रोजन गैस यहां से एस्केप कर रही है। ये फनल लेके सीधा आया सोप सॉल्यूशन के अंदर और हमने ले जाके डाल दी अब इस सोप सॉल्यूशन के अंदर से गैस पास हुई और यहां से बबल्स पास हो रहे हैं और ये बबल्स जैसे हम मैचस्टिक के कॉन्टेक्ट में लेके आए इट जनरेट्स अ पॉप साउंड ठीक है दिस इज अ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन टेस्ट नंबर टू फॉर हाइड्रोजन दो टेस्ट हाइड्रोजन के हो गए ठीक है नाउ वी मूव ऑन टू टेस्ट सेकेंड सेकेंड टेस्ट किसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हमने फर्स्ट हाइड्रोजन पढ़ लिया नाउ वी मूव ऑन टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के दो टेस्ट्स हैं वापस जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी नंबर वन चीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिलीज होती है तो अगेन बबल्स क्रिएट होते हैं जैसे सोडा की बोतल ओपन करी उन बबल्स का साइज छोटा होता है और वो बहुत तेजी से वहां से बाहर निकलते हैं दैट इज वॉट ब्रिस्क एफरेंस ब्रिस्क एफरेंस का मतलब बबल्स कंपैरेटिवली बहुत तेजी से वहां से इवॉल्व आउट हो रहे होंगे बट हाइड्रोजन में बबल्स की स्पीड स्लो होती है धीरे धीरे एस्केप होते हैं एवरेज साइज होता है बट इन केस ऑफ वॉट कार्बन डाइऑक्साइड द साइज ऑफ बबल्स इज कंपैरेटिवली स्मॉल एंड एस्केपिंग टेंडेंसी इज वेरी फास्ट दैट इज नोन एज ब्रिस्क एफरेंस दैट इज वेरी फास्टली ब्रिस्क एफरेंस होता है इज दैट क्लियर टेस्ट नंबर टू अच्छा आपको इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूं आइए यहां देखिए सी देखिए कितनी तेजी से यहां से हमें बाहर निकलते हुए एंड दे आर कंपैरेटिवली स्मॉल साइज हमने रिएक्शन कराई है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की विथ इथेनोइक एसिड ठीक है सी एस थ्री सीओओ तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और सोडियम इथो ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से क्या हो रही है रिलीज हो रही है ठीक है राइट एंड दिस इज टेस्ट नंबर टू टेस्ट नंबर टू कहता है कि जब आप जब आप लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे मैंने थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया देखिए थोड़ा सा मिल्की कलर आया दूधिया अपरेंस जिसको बोलते हैं और अगर मैंने थोड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया तो यहां पर देखिए कि जो लाइम वाटर बिल्कुल कलरलेस सोल्यूशन था वो पूरी तरीके से वाइट कलर का सोल्यूशन बन गया दैर इज फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट कंपाउंड ठीक है और पूरा का पूरा ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया है ठीक है और इसका कलर चेंज हो गया दूधिया रंग हो गया तो यानी कि हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि कोई एक्स ने किसी वाई के साथ रिएक्शन किया या मैं क्वेश्चन आपके लिए मैं ही फ्रेम कर देता हूं क्वेश्चन क्या फ्रेम हुआ बेटा बोर्ड ने पूछा कि व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ इथेनोइक एसिड अ गैस इज रिलीज ठीक है क्वेश्चन आया अ गैस इज रिलीज एंड व्हेन देन दैट गैस इज पास थ्रू अ लाइम वाटर इट कन्वर्ट्स दैट लाइम वाटर इनटू अ मिल्की सब्सटेंस फाइंड आउट दैट गैस एंड राइट अन्य टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दैट गैस क्लियर तो इस तरीके से नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट बताओ नो नो दे विल गिव यू अ रिएक्शन दे विल गिव यू अ सिचुएशन दे विल गिव यू अ कंडीशन That this is a condition, the gas is formed. Name the gas and also the test. ठीके? Right? So carbon dioxide gas ke do tests. One is brisk brisk efference. Or second is that it converts lime water into a milky solution. Is that clear? So these are the two tests. टू गैसे हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइ ऑक्साइड सल्फर कोई सच नहीं पूछा जाता है और सल्फर के लिए एक ही रिएक्शन है अभी मैं चेंज इन कलर के अंदर वो आपको दिखा दूंगा ठीक है चलिए हम करेक्टर स्टेक नंबर टू के ऊपर चलते है. अगला करेक्टर स्टेक क्या है हमारे पास वो देखते हैं आइए देंज इन कलर आ गया चेंज इन कलर का मतलब क्या होता है पहले वो समझे चेंज इन कलर का मतलब है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन अकर होगा तो सब्सटेंसेस के कलर चेंज हो जाता है यानी कि रिएक्टेंट का कलर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोडक्ट का कलर ऐसा नहीं है कि हर रिएक्शन में ऐसा आपको देखने को मिलेगा बट कुछ रिएक्शन में जनरली ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं ठीक है हम कुछ रिएक्शन आपके साथ शेयर कर रहे हैं बट वॉट एक्चुअली इट सीज दैट देर आर सम केमिकल रिएक्शन इन विच देर इज अ चेंज इन कलर देर इज अ चेंज इन कलर टेक्स प्लेस दैट इज द कलर ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेस इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ रियक्टेंट बहुत अच्छा एग्जाम्पल पीछे पन्ने पर गया वेन लाइन वॉटर रियक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड द कलर ऑफ लाइव वाटर चेंजेस दैट ओके ठीक है राइट चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम आपके पास चलिए एग्जाम्पल नंबर वन द कलर चेंज ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स ठीक है अगर आप नोट करें यहां पर हमने एक ट्यूब के अंदर ब्लू क्रिस्टल्स वाला एक सोल्यूशन लिया है दैट इज कॉपर सल्फेट सी यू एसओ फोर डॉट फाइव एच टू ओ ठीक है मैंने उसको हीट करना स्टार्ट किया देखिए यहां से गैस इवॉल्व हो रही है बबल्स एस्केप हो रहे हैं गैस एस्केप हो रही है और कुछ देर बाद आप देखेंगे तो ये जो सल्यूशन है दैट इज कलरलेस सोल्यूशन एंड इट बिकम्स अ वाइट पाउडर कलरलेस और जो वाटर वेपर एक्सकेप्ड हुए थे वो यहां पर ट्रैप अप हो गए यानी कि जब आप कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, तो यहाँ पर ऑफ <coughs> क्रिस्टलाइजेशन है। और वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको हमेशा कलर इंपार्ट करेगा तो यहां पर आपके पास ब्लू कलर मिला आपको जैसा मिलना चाहिए था ठीक है आपने जैसे उसको हीटअप किया तो वहां से वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला गया और वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहीं से गया तो वो अपने साथ साथ कलर को लेके जाएगा तो यानी कि वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एड कलर टू द सब्सटेंसेस एग्जाम्पल नंबर टू लेते हैं हम आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल क्या है दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट हेज बीन आज बाय द सी बी एस ई इन द एग्जामिनेशन दैट इज वॉट फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स ठीक है एग्जाम्पल है मेरे पास

ठीक है राइट पानी उड़ गया पहले वाले एग्जाम्पल में पानी था कौन सा ब्लू ठीक है वो पिक्चर थी ना ये है ना उसमें गाना था आज ब्लू है पानी 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 तो वहां पे वो ब्लू पानी था ठीक है ना कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स थे और यहां पे हरा है पानी 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 तो यहां पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का जो कलर होता है वो जनरली ग्रीन इन कलर होता है बट आप जब उसको बर्न करोगे तो क्रिस्टल वाटर मॉलिक्यूल्स उड़कर चला गया बच्चे और उड़कर चला गया तो अपने साथ हरा कलर ले गया ठीक है अब पीछे छोड़ा उसने सफेद कलर ठीक है तो आपको मिला फेरस सल्फेट दैट इज कंप्लीटली कलरलेस सब्सटेंस बट आप फर्दर अगर फेरस सल्फेट को और हीट करोगे तो आपको मिलेगा फेरिक ऑक्साइड एफ प्लस आपको दो गैसेस मिलेंगी दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड अलोंग विद दैट सल्फर ट्राई दिस दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टिकआउट कर लें ठीक है वाटर ड्रॉपलेट्स अगर आप देखिए यहां पर ये गैस रिलीज हो रहा है और यहां पे हम टेस्ट कर रहे हैं उस गैस के लिए तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑक्साइड फैरस सल्फेट से निकलता है ठीक है सो दीज आर टू टेस्ट और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जहां पर कलर चेंज हमें देखने को मिलेगा ठीक है चलिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखते हैं क्या कहती है आइए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड एरोप्लेन लेके चल रहा है क्या प्रॉपर्टी है मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन अकर होगी तो एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा या मैं कहूं कि अगर एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है कोई प्रोसेस होते समय कोई एक्शन होते समय तो वहां पर केमिकल रिएक्शन अकर हुई है सो वेन एवर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस टू फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ठीक है राइट तो व्हाट इज तो तो कोई दो इन सोल्यूबल को आप मिक्स करते हो या एक एक्वे सोल्यूशन से गैस पास करते हो तो वहां पर कभी कभी एक इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस उस लिक्विड के सर्फेस के ऊपर आ जाता है दैट इज नोन एज इनसॉल्यूबल ठीक है वो उसके अंदर नहीं होता सबसे अच्छा वो कभी भी उसमें नहीं होने वाला दूसरा एग्जाम्पल ले लो पानी के अंदर तेल मिला दो तेल ऊपर रहता है पानी नीचे रहता है बोट आर लिक्विड दैट इज इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट है ना तो इनसोल्यूबल है कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास आप शेयर करते हैं हम लोग शेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास किया गया तो वाइट कलर का इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट आप देख सकते हैं हमने पुराने सीक्वल में दिखाया है ठीक है सेकंड व्हेन बेरियम क्लोराइड दैट इज टू रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 तो आपके पास आउटपुट प्रोडक्ट के अंदर जो हमें मिलेगा वो होगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पर जो बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन है तो जब भी इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट सॉलिड का फॉर्मेशन ऊपर होता है आप नोट डाउन करें कि वो एक केमिकल रिएक्शन का हिस्सा है वो वो शो करता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है सिंपली क्टर नंबर थर्ड इज ओवर नाउ वी मूव ऑन टू फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये रही हमारे सामने फोर्थ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कहती है चेंज इन स्टेट आप सिंपली समझ सकते हो चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स की स्टेट कुछ और थी और प्रोडक्ट की स्टेट कुछ और है सबसे पहले अब कुछ देख लेते हैं कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी फिजिकल स्टेट प्रोडक्ट की कंप्लीटली डिफरेंट होती है एज दैट ऑफ रियक्टेंस ठीक है बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वैक्स पहला एग्जाम्पल है जब भी बर्निंग ऑफ वैक्स होगा तो हम एक चीज नोटिफाई कर सकते हैं कि भाई हमें सॉलिड सब्सटेंस था बट आउटपुट वी आर गेटिंग लिक्विड और वो वापस से सॉलिड में फॉर्म हो रहा है या गैसेस का फॉर्मेशन इज देयर ठीक है राइट ओके सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया एन एच थ्री गैस की फॉर्म में है प्लस एच सी एल लिक्विड फॉर्म में है बट जो अमोनियम क्लोराइड एन एच फोर सी एल मिला दैट इज इन सॉलिड स्टेट सो दोडक्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रिएक्टेंट तो एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई है That is okay, तो जब भी चेंज इन स्टेट होगा तो मैं कह सकता हूं कि केमिकल रिएक्शन अगर हुआ है तो पूरा कॉन्फिग्रेशन बदला सबस्टांस का पूरा कॉन्फिग्रेशन ठीक है सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ चेंज इन स्टेट हुआ कॉन्फिग्रेशन बदला बट फिजिकल चेंज में जब भी स्टेट चेंज होगा पानी से भाप कॉन्फिग्रेशन नहीं बदलेगा सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा भाप बना भाप का वही कॉन्फिग्रेशन है जो पानी का कॉन्फिग्रेशन है आप पानी को सॉलिड में बदल दो ठीक है सिर्फ स्टेट चेंज हुआ कॉन्फिग्रेशन वही है इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज अ सिंपल ठीक है सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल ठीक है चलिए आखिरी आखिरी बचा हम पढ़ चुके चेंज इन कलर पढ़ लिया चेंज इन स्टेट uh, पढ़ लिया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ लिया ठीक है राइट अब बचा है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर टेम्परेचर में बदलाव होना केमिकल रिएक्शन का हिस्सा है तो वेन एवर देर इज अ चेंज इन टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज हुआ हम क्या बोलेंगे कि के एक केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है ठीक है तो व्हेनेवर देर इज अ चेंज इन टेम्परेचर अ केमिकल रिएक्शन अकर देखिए दो एरो क्या शो कर रहे हैं हमें दोनों एरो बता रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज एक तरीके से नहीं बच्चे टेम्परेचर चेंज दो तरीके से हो सकता है पहला अगर मैं एक हॉट गरम कॉफी टेबल पे ले जाके रख दूं आप क्या बोलोगे आसपास का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया सराउंडिंग में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया एक और एग्जाम्पल लो मैंने कोयले को बर्न किया मैंने लकड़ी को बर्न किया और लकड़ी को बर्न करने के बाद देखा कि आसपास का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है Increase in surrounding temperature, क्या शो करता है कि उस substance में से heat release हो रही है ठीक है right? और अगर मैंने बरफ ला के रख दी तो आसपास का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा बहुत सिंपल सी बात है आसपास का टेम्परेचर ठंडा हो गया तो यानी कि देर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग तो जब भी इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो बोलूंगा केमिकल रिएक्शन हुआ है जब भी सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज होगा केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है ठीक है और दोनों प्रोसेस के अलग अलग नाम है वेन एवर देर इज अंक्रीज इन सराउंडिंग टेम्परेचर दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन वॉट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन दो रिएक्शन इन विच द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेस और द रिलीज ऑफ हीट इन द सराउंडिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ आसपास का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हुआ है लकड़ी को जलाओ कोयले को जलाओ रेस्पिरेशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस जो प्रोसेस को करने के लिए मुझे हीट एनर्जी देनी पड़े और आसपास का टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो वो प्रोसेस क्या कहलाएंगे एंडोथर्मिक जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस फॉर्मेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम स्टीम पानी की बोतल बाहर लाके रख दो थोड़ी देर बाद उसके ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी बोतल में कोई छेद नहीं है मैंने कोई पानी की बौछार नहीं करी आस पास जितनी भी वाटर पार्टिकल्स थे स्टीम की फॉर्म में यहां से ठंडी गैस रिलीज हुई और उन्होंने उसको कंडेंस करके वापस पानी में बदल दिया सो स्टीम गैट टू वाटर वाटर और वो वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर पानी की बोतल के ऊपर इकट्ठा हो गया और पानी की बोतल के ऊपर जैसे ही वो इकट्ठा हो गया तो आसपास का टेम्परेचर ठंडा हो गया सारी हीट स्टीम पार्टिकल्स ने ले ली पानी बदलने में पानी बनने में और जब आसपास की हीट सारी स्टीम पार्टिकल्स ने ले ली पानी बनने में तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा तो रिएक्शन हुई डिक्रीज रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी चाहिए एंड सेकेंड वन इज एक्सोथर्मिक ठीक है यहां पर ये महाशय इनका लट्टू जल रहा है देखिए क्या कहना चाह रहे भाई देखो क्या कहना चाह रहा है ये देखो हॉटर देन सराउंडिंग जब हीट रिलीज सराउंडिंग में होगी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा ये ध्यान रखें इसने आपको ट्रिक दिया है इन मास्ताह का कहना है देखो मैं आइडिया लेके आया हूं क्या आइडिया लेके आया हूं कि जब सराउंडिंग में हीट रिलीज हो टेम्परेचर इंक्रीज हो तो एक्सोथर्मिक और जब सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो सराउंडिंग से हीट अंदर आए ठीक है तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक यानी कि जब सब्सटेंस सराउंडिंग से ठंडा हो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा और जब सब्सटेंस सराउंडिंग से गर्म हो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा यहां लिखा हुआ है हॉटर देन सराउंडिंग जब सब्सटेंस हॉटर देन सराउंडिंग है तो एक्सोथर्मिक रिलीज होगी हीट और जब सब्सटेंस कूलर देन सराउंडिंग है तो एंडोथर्मिक सिंपल सी बात ठीक है चलिए थोड़ा सा और डिटेल एग्जांपल्स के साथ चलते हैं यहां पर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक द रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेस कुछ एग्जांपल नंबर वन मैंने यहां पर प्रोसेस लिया है किसका रेस्पिरेशन का सी सिक्स ऑक्सीजन मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट वही हीट एनर्जी जो हमें एनर्जी दे रही है दूसरा मीथेन का बर्निंग सिंपल मीथेन गैस की बर्निंग अगर आप देखोगे सी एच फोर प्लस टू ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सबसे अच्छा एग्जाम्पल सी गैस सिलेंडर मीथेन भरा हुआ है पूरा का पूरा एलपीजी गैस सिलेंडर्स बर्न होने के बाद आसपास का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बहुत सिंपल सी चीज है कार्बन प्लस ऑक्सीजन लकड़ी जल कोयला भाई लकड़ी को जला रहे कार्बन को जला रहे तो दीज रियक्शन रिजल्ट इन द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन वॉट वी हैव आ जाओ नाउ द एंडोथर्मिक प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस दो इन विच हीट इज एब ड्यूरिंग द रिएक्शन आर नोन एज एंडोथर्मिक जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने एन टू प्लस सो एन टू प्लस ओ टू मैंने उसको प्रोसीड करने के लिए हीट दी तो टू एन ओ मेल्टिंग ऑफ आइस एंडोथर्मिक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस और अगर मैं पोटेशियम के के okay, साथ वाटर मिक्स करूंगा तो मुझे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बट मुझे उसको देने के लिए हीट चाहिए ठीक है राइट right, अगर कुछ एग्जांपल्स हम यहां देखें ये यह अंडा बना रहे हैं हम लोग ऑमलेट बना रहे हैं फ्राइंग इन फ्राइंग एन एग ठीक है ना राइट right, तो जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं वो एनवायरमेंट से हीट को एब्सॉर्व करते हैं या उनको प्रोसीड करने के लिए हीट देना पड़ता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन अगर जहां पे भी इवेपोरेशन है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। नाइन्थ क्लास मैटर इन आर सराउंडिंग सिलेबस में से हटा दिया बट इंप्लीमेंटेशन यहां आया है ठीक है ना आ, तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। पांच नंबर का क्वेश्चन आता था जब भी आता था ठीक है ना कि जब जब इवेपोरेशन होगा तब तब कूलिंग होगी तो दैट इज वॉट उसने आसपास की सराउंडिंग हीट को एब्सॉर्व करके रख लिया और जब उसने हीट को एब्सॉर्व करके रख लिया तो एनवायरमेंट ठंडा हो गया और ये गर्म हो गया ठीक है तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग मेल्टिंग हो कुछ भी हो इवेपोरेशन हो जो भी हो रहा है जिसमें भी आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो रहा है बच्चे एक ही प्रोसेस है सो दीज आर दाइव टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन नंबर वन उल्टा चलता हूं चेंज इन टेम्परेचर नंबर वन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट नंबर टू चेंज ऑफ कलर नंबर थ्री ठीक है राइट चेंज ऑफ स्टेट दैट इज नंबर फोर एंड फिफ्थ दैट इज एवल्यूशन ऑफ गैस जहां पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पढ़ा ठीक है तो ये हुई पांच कैरेक्टर्स से किसी भी केमिकल रिएक्शन को जानने की एक टेस्ट छोटा सा आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक समझ में आया नहीं आया वो ये टेस्ट बता देगा कि आपको कितना एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक समझ में आया कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑन है आपको बताना है कि ये एक्सोथर्मिक है या ये एंडोथर्मिक है या ये एंडोथर्मिक है या ये एक्सोथर्मिक है ये आप लोगों का टेस्ट है ठीक है सो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का वीडियो करेक्टर सिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर खत्म ठीक है अब आपसे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर जिसमें मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में आपसे बात करूंगा पांच तरीके की रिएक्शन अगले वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी टिल दिन गाइज लिटिल स्कॉलर एंड सेठनविदास लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा ठीक है थैंक यू सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो